बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल्ला काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। ईओबीआई के हवाले से दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो शकील अहमद मनगनी जो सब के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और दूसरी पेंशन के हवाले से दो बातें मैंने करनी है। एक तो पेंशन के हवाले से कि पेंशन जो है वो माहाना पेंशन आपकी आ चुकी हुई है, जिन जिन इलाकों में नहीं आई वो कौन कौन से इलाके हैं, उसकी डिटेल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आज तक और अभी तक चूँकि लोग वीडियो बस थंबनेल पढ़ते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो इसलिए फिर वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जनाब 13,500 रुपये पेंशन नहीं आई, 13,500 रुपये पेंशन नहीं आई। वो जनाब उसी बात पे जो है वो बात को बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं कि पेंशन इजाफी पेंशन नहीं आई। तो एक दफ़ा फिर मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि असल मसाइल क्या हैं और हकीकत कहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं पेंशन वाली कहानी को मेरे ख्याल में शुरू से ही वो ख़त्म कर देनी चाहिए। एक तो आपकी पेंशन जो है माहाना वो आ चुकी है, आज दूसरा दिन है, 29 तारीख है और साल 2022 है, 29 अप्रैल 2022 और जुमे का दिन है। तमाम इलाकों में पेंशन जो है वो आ चुकी है, लाहौर भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है, चिन्हौट मुकम्मल हो गया है, झांग फैसलाबाद मुकम्मल हो गए हैं, और इसी तरह जो है ठट्ठा दीना अटक, ये फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर और उसके दीगर बड़े शहर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, इधर लिया बखर मुजफ़्फ़रगढ़ मुल्तान और आप जनाब ये सारा इलाका मुकम्मल हो चुका है, और इसी तरह कोयटा लसवेला खुजदार मस्तूंग पशीन ये तमाम इलाके मुकम्मल हो गए हैं। कराची अब तकरीबन मुकम्मल हो गया है, कराची में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पेंशन जो है वो ना पहुँची हुई हो। इसी तरह जो है कोई मेरे ख्याल में अब मेरे इल्म में नहीं है कि कोई इलाका जो है अभी तक वहाँ पेंशन ना पहुँची हो। हाँ, अगर किसी शख्स को पेंशन नहीं मिली इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स अभी कर दें, ताकि हम आज कल लास्ट वर्किंग डे होगा, हम आज ही कोशिश करके आपकी पेंशन आप तक जो है वो पहुँचवा दें, और ये बहुत ज़रूरी होगा। हम साथ साथ फॉलो अप जो है वो दे रहे हैं, आपने देखा है हम आपके कमेंट बॉक्स को नीचे फॉलो कर रहे हैं, हर एक एक कमेंट का साथ साथ जवाब दे रहे हैं, ताकि हमें पता चले ईद का जो है ये अय्याम है और आपकी आपको कहीं परेशानी ना हो, इसलिए हम एक एक कमेंट को आपके जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि ताकि कोई बंदा रह ना जाए। तो अब भी अगर कहीं पर कोई ऐसी बात हुई है, कहीं पर पेंशन जो है वो रह गई हो, पेंशन ना आ चुकी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता दें, मेरी टीम बैठी हुई है वो फौरी तौर पर परसू कर रही है। एक बात ये मुकम्मल हो गई, अब मैं दूसरी बात फिर एक कर दूँ कि जनाब इजाफी पेंशन नहीं आई। भाई इजाफी पेंशन जो थी वो आपको मिलनी थी रिवाइज पेंशन, रिवाइज पेंशन 13,500 रुपये आपको मिलनी है, वो उन लोगों को मिलनी है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन 130 रुपये के हिसाब से दिया हुआ है। तो एक बात ये जहन में रखें, सबको नहीं मिलना, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात इसमें जहन नशीन ये कर लें, यार आपके इल्म में है कि चेयरमैन ईओबीआई को रिमूव कर दिया गया है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि चेयरमैन का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एक्चुअरियल वैल्यूएशन हो गई है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास नहीं हुआ, उसके अंदर उसको पुट किया जाता है, वो जो पहले वाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास था वो और चीज़ें उसमें पुट की गई, उसमें एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट पुट नहीं की गई। तो अब ऐसे हालात में मैं आपको कैसे कहूं कि आपकी पेंशन जो है वो नहीं हुई। अब एक शख्स ने कमेंट किया कि जरा 3 साल हो गए पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, आप कहते जा रहे हैं। भाई मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, आपके सामने नहीं है, आप अखबारात नहीं पढ़ते, आप मीडिया नहीं देखते हैं, आप सिर्फ या तो ये कहें कि जुल्फी बुखारी ने ऐलानात नहीं किए थे, आप ये कहें कि उनके वीडियो क्लिप्स मौजूद नहीं है, जब हर चीज़ मौजूद है तो फिर आप ये कहना कि जी 3 साल से पेंशन का इजाफा नहीं हुआ। जाहिर है आप दुखी हैं, आपके मसाइल हैं, आपके पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, महंगाई से आप डंगे हुए हैं, तो ऐसे हालात में दूसरी तरफ अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई उरूज पर पहुँची हुई है और ईद के अखराजात जो है वो सर के ऊपर हैं, तो जाहिर है फिर आपने परेशान होना है और परेशानी बनती भी है। मैं इस बात को मुझे भी एहसास है, लेकिन फिर मेरा भी आप एहसास करें ना इस बात का कि मैं कोई आपसे खुदा ना खासा झूठ तो नहीं बोल रहा होता हूं। तमाम मीडिया जो चीज आती है जब तक वो रिकॉर्ड पर ना है, मैं ऐसे
से जेली फर्जी बयान नहीं कर देता दूसरे लोगों की तरह, कोई 25,000 बढ़ा रहा है, कोई हतमी खबरें दे रहा है, पता नहीं क्या क्या ईओबीआई की मार्केट में झूठी खबरें जो है वो देने वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं और आगे चले भी, कुछ तो चले भी गए हैं, कुछ माशाल्लाह भी हैं, चलो वो भी चले जाएंगे, क्योंकि ईओबीआई पे काम करना कोई खाला जी का घर है। और दूसरी बात जो अब बड़ी बात है वो जनाब ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, आइंदा के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं स्क्रीन पर ऐसे ही दूंगा, ये जनाब कल का नोटिफिकेशन है और चेयरमैन ईओबीआई शकील अहमद मनगनीजो साहब को चेयरमैन के ओहदे से हटाकर उनको वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। 21 करोड़ की उनकी पोस्ट है और अब वो चेयरमैन ईओबी नहीं रहे बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वो पर्सनल एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो तैनात हो गए हैं, उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया है और गालबन उन्होंने अपनी जो चार्ज अज्यूम है वो भी कर लिया होगा या एक आध दिन में कर लेंगे, तो क्योंकि विद इमीडिएट इफेक्ट था तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने फौरी तौर पर कर लिया होगा या आज कर रहे होंगे। तो इसलिए अब ईओबीआई के चेयरमैन का ओहदा कल 28 तारीख से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है, अब इस वक्त ईओबीआई का कोई चेयरमैन नहीं है, एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे जो है किसी का नोटिफिकेशन जो है मेरे ख्याल में शाजिया रिजवी साहबा का ही होगा क्योंकि पहले वो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम करती रही हैं, तो मुझे यही लगता है कि अभी तक जो है ना नए चेयरमैन की कोई तैनाती हुई है और ना ही इस चेयरमैन के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है, अगरचे वफाकी काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया है कि नया चेयरमैन तैनात किया जाए। अब नया चेयरमैन की तैनाती का प्रोसेस कब से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, ये कमिंग डेज में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो है चेयरमैन ईओबीआई जो है उनको वहां उनके ओहदे से हटाकर उनको वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे लगा दिया गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि ये एक दयानतदार शख्स हैं, बासूल, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ कमिटमेंट, बड़े दयानतदार आदमी हैं और जो बात करते थे उस पर पूरा उतरते थे, बड़ी खूबसूरत दबंग पर्सनैलिटी थे। अब मसला ये है कि नया बंदा जो आएगा फिर वो समझेगा, फिर वो मसाइल को देखेगा, फिर उसके बाद वो जो है फिर कोई नया फैसला आएगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक ईओबीआई जो है उसका जो चेयरमैन का ओहदा है वो बिल्कुल खाली है, अब आने वाले दिनों में किसको तैनात किया जाता है ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपसे जो है वो अर्ज़ कर दूँ कि ईओबीआई के हवाले से बतौर ख़ास ये जहन नशीन कर लें कि ये इदारा यतीमों का इदारा है, वाकईतन आप समझ जाइए कि ये यतीमों का इदारा है। ईओबीआई के इदारे में जो चाहें जब चाहें जहाँ से चाहें तब्दीली कर लें, जब चाहें जैसे चाहें इसको खा लें, जैसे चाहें इसकी एक्चुअरियल वैल्यूएशन होने दें ना होने दें, कानून पे अमल दरामद होने दें ना होने दें, बादशाहों का इदारा है जो चाहें करें। लेकिन अब जो है अफवाह भी जाग रही है, आप सबसे पहले आप पेशर्स जो है वो जाग रहे हैं, अगर आप जागते रहे तो इंशाल्लाह ईओबीआई के चेयरमैन की तैनाती जल्द अमल में आ जाएगी और फिर आपकी पेंशन में इजाफे का जो प्रोसेस है वो नए सिरे से शुरू होगा। कल मैंने असफर शमीम साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ किया था उस पर पानी फिर गया है, अब नए सिरे से सारी कहानी फिर करनी पड़ेगी।